हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं लेके आई हूँ गोल्डन क्ले। ये गोल्डन मिट्टी है जो मुझे चकवाल से गिफ्ट आया था, उसमें ये गिफ्ट आया था, मतलब ये क्ले आई थी। और ये ख़ास तौर पे क्ले पॉट्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये मैं रॉ फॉर्म में इसका आज क्रंच करके आपको बताऊँगी कि इसका टेस्ट क्या है, मुझे भी भूल गया हुआ है, और ये कैसी है, और इसमें क्या मतलब रेत है, ग्रिटी है या नॉन ग्रिटी है, सॉल्टी है, स्टिकी है या वट एवर, ये अब मैं आपको क्रंच करके ही बताऊंगी। तो आज मैं इसका क्रंच लेके आई हूँ। थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा ही आ गया है, मैं जब भी डालती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही डाल जाता है। खैर, इसका क्रंच स्टार्ट करके ना तो मैं आपको फर्स्ट में ही बता दूँगी कि किस तरह की है। देन उसके बाद फिर क्रंच के दौरान मुझसे बोला नहीं जाता, तो मैंने सोचा चले इसका आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, इसकी तो आवाज़ भी कोई नहीं है, ऐसे रुई के जैसी नरम सॉफ्ट। क्रंच इसका मे बी रोस्ट होने के बाद, मतलब क्ले पॉट्स बन जाएं तो उसके बाद इसका रोस्ट आए, वो क्रंच आए आफ्टर रोस्टिंग, बट अभी तो बिल्कुल सॉफ्ट रुई के जैसी, बिल्कुल फीकी सी, ग्रीटी भी नहीं है, स्टिकी भी नहीं है, सॉल्टी भी नहीं है, पर फीकी सी है। बड़ा अजीब सा टेस्ट है, फीका सा, बिल्कुल फीका, और पता नहीं कैसी है, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले शायद मैंने इसको टेस्ट किया है या नहीं, आई डोंट नो, मुझे अब याद नहीं है, फिर से टेस्ट करते हैं। मतलब पहाड़ी सी मिट्टी है, अजीब सी, इसके क्रंच की तो आपको आवाज आ नहीं रही होगी, बिल्कुल साउंडलेस है। जी तो ये इससे ज़्यादा मैं मज़ीद क्रंच नहीं कर सकती, क्योंकि ये अभी अभी मैं मुंह वॉश करके आई हूँ, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना वो है, सॉफ्ट है और अजीब सी फीकी सी है, बिल्कुल फीकी, ऐसे जैसे मुंह में मैंने रुई डाल ली और उसको मेल्ट कर रही हूँ और वो मिट्टी है बस। मतलब इसमें कोई टेस्ट नहीं था, दिस इज़ टेस्टलेस एंड साउंडलेस। इसकी आवाज़ भी नहीं थी कि हल्का फुल्का क्रंच भी आपको सुनाई देता, वो मुझे ही बस फील हो रहा था कि ये मैं कुछ मुंह में डाल के चबा रही हूँ। तो इसका क्रंच आज हम इधर ही स्टॉप करते हैं। इसको मैं किसी दिन वीडियो इसके लेके आऊँगी, इसको कूट के, इसको छान के, इसको इसके कुछ पॉट या कुकीज़ बना के ना उनको रोस्ट करके देखेंगे क्या बनता है, किस तरह का इसका रिज़ल्ट आता है। तो अगर अच्छा हुआ तो फिर नेक्स्ट इसका देखेंगे मज़ीद क्या करना है। देन आज की वीडियो मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।